मौसम बढ़िया हो रहा है। हेलो दे व्हाट्स अप, क्या हाल चाल। एक बात कहनी थी, आज ही के दिन पिछले साल मैंने अपने कॉर्पोरेट जर्नी की शुरुआत की थी, तो भाई आज मुझे प्रॉपरली एक साल हो गए हैं। और इन एक सालों में भाई मैंने बहुत कुछ सीखा है, वो सारी चीजें बताऊंगा इसी वीडियो में। महाराज आपका मुकुट खुला है। ये एरिया है माया बाजार भाई, बोले गोरखपुर का बहुत ही क्राउडेड और बहुत पुराना एरिया। स्टार्टिंग में डेढ़ महीने लगभग भाई कोई काम ही नहीं था मेरे पास, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था काम है क्या, क्योंकि मेरा कोई भाई इमीडिएट अथॉरिटी मेरे ऊपर वाला कोई मेरे साथ यहाँ पे मेरे लोकेशन पे नहीं था। इनफैक्ट मैं पहला बंदा था मेरे डिपार्टमेंट का पूरे गोरखपुर के इतिहास में, तो भाई वो मतलब एक डिफिकल्ट था, क्योंकि यार मैं वैसे ही फ्रेशर, कुछ नॉलेज है नहीं। अब मान लो भाई सब्जी बेचने बैठा दिया तुमने, बताओ तो उसे भाई टिंडे बेचने, गोभी बेचने, टमाटर बेचने, आलू बेचने, क्या बेचना भाई, क्या प्रोडक्ट है, क्या चीज़ करूँ मैं। तो उसे भाई मेरे को डेढ़ दो महीने वहाँ निकल गए, ऐसे कुछ ट्रेनिंग हुई नहीं, बट थोड़े दिन के लिए मुझे बनारस बुलाया गया था। याद है मैंने एक वो बनाया था, एक वीडियो बनाई थी मैंने जब मैं बनारस गया था, तो वो थोड़ी बहुत ट्रेनिंग हुई थी वहाँ पर भी। अब किस्मत ऐसी फूटी कि जब मैं पहुँचा तो भाई मंथन था, तो वहाँ के लोग जो थे जो सिखाते वो खुद इतने भाई बिजी थे कि मैं जाके कुछ उंगली करूँ तो भाई मेरे को रैप्टे मार दे। तो इफेक्टिव काम जो मैंने किया है वो लगभग 8 से 9 महीने किया है, क्योंकि उससे पहले का जो टाइम था वो सीखने समझने और होश में आने में लग गया मुझे। लेकिन फिर एक बार यार देखो, सेटल होने के बाद चीज़ें लाइन पे आ गई थी, मैं काम करने लगा था। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर, बैंकिंग इंडस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपके करियर में होगी आपका MIS, यानी कि आपके बिजनेस के नंबर्स। तो यहाँ पर ये नहीं होता कि भाई आपकी मेहनत बहुत देखी जाती है, आप कितना एफर्ट्स लगा रहे हो, संडे को भी काम कर रहे हो, छुट्टी के दिन भी काम कर रहे हो, रातों को जग रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई मतलब नहीं। आप बिजनेस लेके आओ, घर जाके बैठ के चद्दर तान के सो जाओ, कोई टेंशन नहीं, कहीं घूमो डोलो कोई दिक्कत नहीं। आप बिजनेस लेके आओ, नंबर्स लेके आओ, बस काम खत्म। अगर आप बिजनेस ला रहे हो तो भैया आपका खुली बाहों से बैंक स्वागत करेगा, नहीं तो ये टक्के से टाटा बाय बाय। एक साल देखो बिताने के बाद मुझे ये भी मालूम पड़ा कि आपको आपके काम से प्यार होना चाहिए, लेकिन प्यार से काम नहीं होना चाहिए, काम भाई अग्रेशन से होना चाहिए, तो तभी जाके भाई आपका रिकग्निशन बनेगा। और रही बात ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज की, तो अगर आप एक ही बैंक में हो तब तो भैया ग्रोथ भूल जाओ, कोई बहुत खास ग्रोथ नहीं होने वाला। अगर आपको बैंकिंग इंडस्ट्री में ग्रोथ चाहिए तो भैया आपको स्विच करते रहना पड़ेगा हर 2-3 साल 4 साल में, फिर लास्ट में भाई एक कोई बड़ा बैंक पकड़ लो जैसे HDFC, ICICI, और फिर इनमें से रिटायरमेंट ले सकते हो। और भी ज़्यादा ग्रोथ चाहिए तो भाई इन सब के बाद फिर सिटी बैंक, HSBC, स्टैंडर्ड चार्टर्ड, इन सब में फिर स्विच करने की कोशिश करो। लेकिन अब ये है कि अगर उन सब में जाना है तो फिर आपकी जो डोमेन एक्सपर्टीज है उसके साथ साथ भाई आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छे होने चाहिए, क्योंकि वहाँ पर फिर क्लाइंट डीलिंग थोड़ा सा और प्रीमियम हो जाता है। तो यस, ये तो है। घर आ गया भाई। बाकी हाँ, एक और चीज़ मैंने देखा है भाई इन 12 महीनों में, ये समझा कि भाई बैंक आपको पटर पटर बोलना सिखा देता है एकदम अच्छे से। क्योंकि देखो बैंक्स में बिजनेस आना है रिलेशनशिप से, और रिलेशनशिप बिल्ड होगा भाई बोलने से, बस ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए। अच्छा अभी बाकी बातें देखो बाद में, अभी थोड़ा सा भूख लग रहा है तो पहले कुछ बनाऊंगा, खाऊंगा, फिर उसके बाद बात करूंगा। मैंने भाई चिकन मैरिनेट कर दिया था सुबह, तो अभी बनाएंगे भाई मस्त एकदम चिकन फ्राई। भाई पूरे दिन मेरे से काम करके आओ, आंखें जल रही हैं, थक गया हूँ काम करने का, ऐसे कुछ बाकी मन नहीं कर रहा, वीडियो वगैरह बना रहा हूँ, और भाई साथ में चिकन फ्राई हो जाए और वो मेरे हाथ के, आए हाय क्या बात है, खुद ही की तारीफ कर रहा हूँ भाई। अब भाई तेल डाल दिया, तेल जब तक गर्म होगा तब तक भाई हम अपना चिकन का मैरिनेशन और अच्छे से कर लेंगे। भाई हल्की सी कश्मीरी लाल मिर्च, भाई थोड़े बाकी स्पाइसेस, बस इसका बनाएंगे हम पेस्ट। ये मैरिनेशन तो हो गया मेरा, अब इसके बाद से भाई डालना चालू करूंगा इसमें। अब भाई जब तक ये फ्राई हो रहा है, 5-7 मिनट है इसको, तब तक भाई बात कर रहा हूँ। देखो दूसरी चीज़ जो मैंने बैंक में यहाँ पे सीखी है कि भैया देखो, एक शहर में जिसमें आप हो काम कर रहे हो वहाँ पर आपकी नेटवर्किंग भाई बहुत स्ट्रांग हो जाती है, आप बड़े बड़े कस्टमर्स को जानने लगते हो और वो आपको जानने लगते हैं, तो भैया अच्छी बात है कि
बहुत काम आता है। मेरे को अभी सच ऐसा काम पड़ा नहीं, लेकिन हाँ यार आप जिनसे डील कर रहे हो भाई वो अच्छे अच्छे पोजिशंस पे हैं, तो किसी से रेफरेंस लेके निकल जाऊँ क्या? अच्छा जिन लोगों को भाई नहीं पता मैं बता देता हूँ, फाइनेंशियल ईयर जब एंड होता है 31 मार्च को, तो यहाँ पे बैंक्स में क्या होता है ना, 1 तारीख को कस्टमर्स के लिए बैंक बंद रहता है, लेकिन एम्प्लॉयज़ के लिए खुला रहता है। जहाँ पे एम्प्लॉयज़ को आइडियली काम करना होता है, लेकिन भाई बॉसेज़ की लाइजनिंग अच्छी होती है, तो मोस्टली 99% केसेज में मस्त पार्टी वार्टी चल रही होती है, पिज़्ज़ा वीज़ा सब हो रहा होता है, समोसे छोले कुलचे सब बट रहे होते हैं, मतलब जैसा भाई जिसकी वो है वो कर रहे होते हैं, एक अच्छा सेलिब्रेशन होता है। तो एक बैंकर के लिए ये मुझे समझ में आया कि एक बैंकर के लिए भाई न्यू ईयर 31 दिसंबर को भाई उतनी एक्साइटमेंट नहीं होती जितनी 31 मार्च को होती, क्योंकि भाई और एक और चीज़ बताऊँ, यहाँ पे क्या होता है ना बैंकिंग में, जो आप पूरे साल भर काम करते हो वो ज़ीरो हो जाता है आपका 1 अप्रैल को। तो भाई आपने पिछले साल जो भी काम किया, बहुत अच्छा काम किया तो भी ज़ीरो होना है, कुछ नहीं किया जीरो था तो जीरो का जीरो यहाँ पर आना है, मतलब यहाँ से आप पूरा एक अपना क्या बोलते हैं अगले फाइनेंशियल ईयर का पूरा स्टार्ट करते हो ज़ीरो से लेके। ये हो गया मेरा लगभग, चिकन फ्राई हो गया रेडी, अब इसमें चाट मसाला और बस। देखो छुट्टी के दिन कपड़े धोने के लिए भिगोया हूँ, रात में ठूंस के खाया, अच्छा दर्तान के सोया हूँ। वाह 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 वाह। तो भाई रात में खाना खा के सो गया था, फिर कुछ बात करने का ऐसे मन नहीं किया। खैर इन 12 महीनों में भाई ये भी मुझे मालूम पड़ा कि जो बोनस का पार्ट है वो आपको 31 मार्च को नहीं मिलता, मतलब फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ उसके बाद नहीं मिलता, ये मिलता है आपको अप्रैल की सैलरी में, सो जो अप्रैल के लास्ट में आता है। तो जब वो आएगा तो भाई उसके बारे में भी मैं वीडियो बनाऊंगा। एनीवेज अगर देखो मेरे से मेरा एक्सपीरियंस पूछोगे पूरे इन 1 सालों में, तो इसमें देखो दो चीज़ें, एक तो यार मॉनेटरी टर्म से मुझे कैसा लगा यहाँ पे काम करने के बाद, और दूसरा है भाई जो नॉलेज वाइज जो एक्सपीरियंस वाइज वो मुझे कैसा लगा। तो मॉनेटरी वाला तो मैं एक बार मुझे जब बोनस आ जाएगा उसके बाद मैं एक उसकी वीडियो बना दूंगा, वहाँ बता दूंगा। बाकी इन जनरल जो काम मैंने किया यहाँ पे, जो चीज़ें मैंने सीखी हैं, मुझे पर्सनली देखो मज़ा नहीं आया, क्योंकि इसलिए नहीं क्योंकि देखो ये जॉब ख़राब है या ऐसा कुछ, बट इसलिए क्योंकि मुझे किसी और चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट है, और मैं इस चीज़ को जस्टिफाई अब कैसे करूँ यार, जब मन नहीं है तो मन नहीं है, इसका कोई वो लॉजिक नहीं है, मेरा कहीं और लगता है मन। तो यहाँ पे तो मैं सही बता रहा हूँ जिंदा लाश की तरह काम करता हूँ, तो सीखने को ऐसा बहुत मन नहीं करता, बट हाँ क्योंकि सर्वाइवल है, आपको थोड़ा बेटर परफॉर्म करना पड़ेगा हर बार, तभी आप यहाँ पे सर्वाइव कर पाओगे, इसलिए मैं बस यहाँ पे काम करता हूँ। बाकी ऐसा दिल से मुझे बहुत मन नहीं करता यहाँ पे काम करने का, ऐसा दिल नहीं लगता मेरा, मेरा दिल कहीं और लगता है, किसी और काम में लगता है। एंड ऑनेस्टली अगर एक बात बोलूँ, साइड हसल करना बैंकिंग जॉब में भाई बहुत टफ है। रीज़न ये है क्योंकि अगर देखो आप सेल्स साइड में हो तब तो यार देखो धूल मिट्टी ड्राइविंग ये सब दिन भर का काम है आपका, और विजिट्स वगैरह बहुत सारी होती हैं दिन भर का, कचड़ पचाड़ एकदम, रोज़ का प्रेशर, रोज़ का टारगेट, तो दिमाग एकदम भरा हुआ रहता है। जब आप घर आते हो तो आपको एक डेढ़ घंटे लग जाते हैं आपको अपने अस्तित्व को जानने में कि भैया आप भी कुछ हो, आप जिंदा हो, छींटे मार के भाई आप होश में आते हो कि हाँ। अब उसमें खाने वाने का टाइम हो जाता है, फिर सोने का टाइम, फिर भाई अगले दिन से वही कहानी। तो वो साइड हसल करना बैंकिंग जॉब में टफ है। अब मैं देखो मैं दूसरे जॉब तो मैंने की नहीं है, बट यहाँ का मैं कह सकता हूँ यहाँ पे तो टफ है, और मैं देखता हूँ अपने आसपास अपने कलीग्स को जो ट्राई कर रहे हैं अलग से कुछ करने का, तो या तो वो हो कि काफ़ी स्ट्रिक्ट टाइम पे अपने निकल जाए कि हाँ भैया 6:30-7 जो मेरा बच गया उसके बाद मैं घर ही जाऊँगा और घर पे जाके मैं कोई काम नहीं करूँगा, तब जाके कहीं आप हो सकता है कुछ टाइम निकाल लो अपनी ज़िंदगी के, अपनी ज़िंदगी को संवारने के लिए। लेकिन अगर आप एक पल के लिए अगर दिमाग में आएगा ना कि यार मुझे कम्पीट करना है यहाँ पे, मुझे ग्रो करना है यहाँ पे, तब तो सीधी बात है आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स एक्स्ट्रा टाइम में लगाना पड़ेगा, तो यार फिर वो साइड हसल नहीं हो सकता। तो ये तो है। अगर देखो बैंकिंग में किसी को ग्रोथ चाहिए और एक सीनियर मैनेजमेंट लेवल पे जाना है, तो देखो 2-3 चीज़ें मैंने ऑब्जर्व की हैं। कोई ऐसा सीनियर मैनेजमेंट में ऐसा नहीं होगा जिसकी इंग्लिश कम्युनिकेशन ख़राब हो, भाई सबके इंग्लिश कम्युनिकेशन अच्छी होती है, तो यार उस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा हमेशा। नहीं है अभी फ़िलहाल अच्छी, तो आप भाई बुक्स रीड करो, आप कोशिश करो, लेकिन सीखो। अगर आप एक पॉइंट पे जाने के बाद आप रुक जाओगे, क्योंकि आप खुद सोचो जब आप एक बहुत अपर मैनेजमेंट में जाना चाहते हो तो वो लोग कितने अलग अलग मार्केट में लोगों से मिलेंगे जो वहाँ पे कम्पीट कर रहे होंगे, और आपके पास भाई ये पूरा एक ब्रांड रहेगा वहाँ पे, आप इस ब्रांड को रिप्रेजेंट करते हो, तो
आप जब रिक्रूट होंगे तो कोई सीनियर मैनेजमेंट ही आपको रिक्रूट करेगा, तो वहां पर ये एक क्राइटेरिया बन जाएगा। दूसरी चीज, आप ये भी देखना कि जो भी सीनियर मैनेजमेंट में होता है उसको हर प्रोडक्ट या हर डिपार्टमेंट का नॉलेज होता है, भले इन डेप्थ एकदम ना हो हर डिपार्टमेंट का, लेकिन हाँ सभी डिपार्टमेंट्स का उसको आइडिया होता है। तो यार क्रॉस डिपार्टमेंट्स, क्रॉस फंक्शनल टीम्स के साथ आपको हमेशा स्टार्टिंग से कोलैबोरेट करके चलना पड़ेगा, इंटीग्रेशन बना के रखना पड़ेगा, ताकि भैया जब आगे आप बढ़ो तो कोई आपको बना ना पाए, लेकिन आप एक बना दो अच्छी टीम। ये दो चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि टॉप मैनेजमेंट में जाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा भाई, अगर मॉनिटरी आप देखते हो अपना ग्रोथ, तो यहाँ पे ऐसा है कि भाई आप स्विच करो एक बैंक से दूसरे बैंक में तो 30-40% का हाइक नॉर्मली मिलता है। बट अगर आपका भाई मार्केट में नाम बहुत अच्छा है कि हाँ इस बैंक में भैया आपने तबाही मचा दी, तो वो क्योंकि आप देखो क्या होता है ना कि मान लो मैं अपने इस बैंक में हूँ, मैं बहुत अच्छा काम करता हूँ फॉर एग्जाम्पल, और मेरे डिपार्टमेंट में कोई हेड यहाँ से मूव करके दूसरे बैंक में गया, तो वहाँ पर वो उस बैंक में चाहेगा ना कि यार मैं वहाँ पे आ जाऊँ और वो जो बिजनेसेस मैं यहाँ पे लेके आता हूँ वहाँ पे वो बिजनेसेस लेके जाऊँ, तो वहाँ पे मैं 30-40% हाइक के लिए नहीं जाऊँगा, फिर मैं वहाँ पे अपना मन चाहा भाई मैं हाइक मान सकता हूँ कि भैया मुझे 60% दो, 70% दो, तभी मैं आऊँगा, क्योंकि उनको पता है भाई वैल्यू कितनी है। तो यहाँ पर आपको भाई अपनी वैल्यू क्रिएट करनी पड़ेगी, और ये एक दिन की बात नहीं है भाई, ये धीरे धीरे होता है, स्टार्टिंग में तो भाई बहुत टफ है, लेकिन हाँ एक बार क्रिएट होने लगती है तो यहाँ पे वर्ड ऑफ माउथ भाई बहुत तेज़ी से फैलता है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है बैंकिंग में ग्रोथ, अगर आपको इस पर्टिकुलर फील्ड में कुछ करना है। और ऑनेस्टली बता रहा हूँ भाई, कोई बहुत ज़रूरी नहीं है कि आप फाइनेंस बैकग्राउंड से ही हो तो ही आप बैंकिंग इंडस्ट्री में ग्रोथ कर सकते हो, या फिर आप एक MBA हो तो ही ग्रोथ कर सकते हो, आपको बस सीखना आना चाहिए। आप टाइम टाइम जिस डिपार्टमेंट में हो वहाँ पर अपने सीनियर से चीज़ें सीखो और दबा के काम करो, एकदम लग के काम करो, एकदम भाई फुट डालोगे हर चीज़। तो ये तो चीज़ें हैं, मतलब अपॉर्चुनिटीज़ हैं। पर्सनली मुझे ये चीज़ें बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग नहीं लगती हैं, क्योंकि मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट कहीं और है। बाकी जिसको ये इंटरेस्ट है, जिसका भाई इन सब चीज़ों में भाई, उसके लिए तो भाई बहुत अच्छी चीज़ है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। एनीवेज, जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है, तहे दिल से बहुत बहुत थैंक यू। फिर मिलता हूँ दूसरे किसी ऐसे वीडियो में, वहाँ पर फिर अपनी लाइफ से कुछ चीज़ें निकाल कर यूँ शेयर कर दिया करूँगा। ठीक है, चलो बाय, टेक केयर, मस्ती करो।